आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कोई भी इमेजेस को आप शेप के अंदर कैसे फिट करेंगे तो सबसे पहले हम शेप्स बनाएंगे दो शेप्स बनाऊंगा मैं यहां से मैं रेक्टेंगल ले लूंगा और लेके यहां पे एक स्क्वायर ड्रॉ करूंगा इस स्क्वायर को मैं रोटेट कर देता हूं नाइन्टी डिग्री तो ये हमारा एक शेप हो गया अब हम बनाते हैं दूसरा शेप ये लिप्स लेके अ बाई प्रेसिंग शिफ्ट की ड्रैग करेंगे तो आपको ये सर्कल बन जाएंगे अब हमने ये दो शेप बना लिया है दोनों शेप के अंदर हम दो इमेजेस इंसर्ट करेंगे इसके लिए हमें इमेज निकालना पड़ेगा हम जाएंगे फाइल ओपन और यहाँ से ये दोनों इमेजेस uh, को सिलेक्ट करेंगे और ओपन में क्लिक करेंगे अब इस इमेजेस को हमारा आर्टबोर्ड में ले जाता हूं सिमिलरली इसको भी आर्टबोर्ड में छोड़ दो अब इन दोनों टैब को मैं डिलीट कर देता हूं हमारा इमेज हमारा आर्टबोर्ड में आ चुका है इसको छोटा करने के लिए शिफ्ट ऑल्ट दबा के इसको अंदर की तरफ ड्रैग करो ये इमेज छोटा हो गया ठीक इसी तरह इसको भी छोटा कर देता हूं अब ये जो दोनों शेप है इन दोनों को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे अब इन दोनों शेप को मैं सिलेक्ट करके मैं ऑल्ट दबा के यहाँ पे ले आता हूँ मैं बस डुप्लीकेट बना रहा हूं इसलिए ऑल्ट को प्रेस करके मैं यहाँ पे लेके आया और डुप्लीकेट बना दिया इसको अब इसको हम राइट क्लिक करेंगे और अरेंज सेंड टू बैक करने के बाद ये जो सर्कल का जो पूरा एरिया है जहाँ तक सर्कल जाएगा और जहाँ तक इस इमेज के ऊपर रहेगा ये सर्कल वहाँ तक हम इसको क्रॉप कर सकते हैं इसलिए इस इसको हम और ऊपर की तरह ले जाते हैं ताकि ये जो सर्कल है ये पूरा कवर कर सके अब अगर आप यहाँ देख नहीं पा रहे इस इमेज को कि Uh, कौन सा पार्ट आ रहा है कौन सा नहीं तो इसके लिए आप इस सर्कल को सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ऑपोसिटी को रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि आप जो इमेज को अंदर लाना चाहते हैं वो वो कहाँ तक आएगा तो इस इमेज को मैं इस तरफ लेके आता हूँ ताकि ये जो पीक है ये बीचों बीच रहे अब ये हो गया ये हमने एक इमेज को यहां फिट कर दिया है और सेम इसी तरह इसको भी मैं थोड़ा रिड्यूस कर देता हूं और ये जो इमेज है इसको भी सेम इसी तरह यहां पे थोड़ा पोर्शन मिसिंग हो रहा है इसको हम कवर करेंगे वरना अच्छा नहीं दिखेगा और इस इमेज को बीचों बीच लाते हैं अब ये हो गया इसके बाद ये जो अभी हमने ओपोसिटी रिड्यूस किया था इसको फिर से पूरा कर देते हैं। और एक चीज याद रखिए अगर ये जो आपका जो सर्कल है या तो ये शेप है ये व्हाइट में होना चाहिए मैं दो, दोनों शेप्स का जो आ, आउटर लाइन है इसको मैं हटा देता हूँ जो ब्लैक आउटर लाइन यहाँ पे दिख रहा है इसको हटा देते हैं और सिर्फ व्हाइट फिल कलर रखते हैं शेप में सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने इसको ब्लैक कर दिया कलर को और फिर हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मेक मास्क ये आपको ट्रांसपेरेंसी के अंदर में ये ऑप्शंस मिलेंगे अगर यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस नहीं मिल रहे तो आप विंडो से जाके यहाँ से आपको मिल जाएंगे ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन तो अभी हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहां पे मेक मास्क करेंगे अब देखिए जब ये ब्लैक था तो यहां पे हमने क्रॉप करने का कोशिश किया फिट करने का कोशिश किया यहां पे नहीं हुआ लेकिन ये जो शेप है ये व्हाइट में है अगर व्हाइट शेप से हम मास्क uh, बनाना चाहेंगे तो ये देखिए आसानी से बन गया तो इसको हम क्या करेंगे इसको रिलीज करेंगे करके इसको वाइट करेंगे और इसके बाद दोनों को सिलेक्ट करके मेक मास करेंगे तो ये देखिए ये रहा हमारा ओरिजिनल और इसको हमने इस शेप्स के अंदर इंसर्ट कर दिया है तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा स्टेप समझ आ गया होगा आ, मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू